फ्रेंड्स नमस्ते, गुड इवनिंग। आज मेरा कुकिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे झटपट एक हम लोग केक बना सकते हैं, वो ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि हर घर में अवेलेबल रहता है इजीली। तो आज हम लोग देखेंगे कि ओरियो बिस्किट से हम लोग कैसे टेस्टी और जल्दी एक केक बना सकते हैं। वो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में हमेशा रहता है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे ओरियो का बिस्किट। यहाँ पे मैं छोटा पैकेट ओरियो बिस्किट ले रही हूँ, उसका मैंने 6 पैकेट्स यानी 6 पैकेट्स मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। साथ में मैं लूँगी 200 ml मिल्क। तो 200 ml मिल्क इतना नहीं लगता है, थोड़ा बच जाएगा हम लोग का। और इसके लिए मैं ये बैटर को स्मूथ करने के लिए ले रही हूँ एक इनो का छोटा शीशे। और साथ ही साथ टेस्ट के लिए हम लोग इसमें बटर ऐड करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी दोस्तों मैंने जो 6 पैकेट्स का ओरियो बिस्किट लिया था वो मैंने अच्छी तरह से यहाँ से छोटा छोटा करके, मैंने आप लोग देख सकते हो छोटा छोटा पीसेस में मैंने उसको तोड़ लिया है। चाहे तो आप इसको अभी ग्राइंड भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इजीली अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसमें ग्राइंड कर लीजिए, तब आपका बनाने के लिए बैटर ईजी रहता है। अभी हम लोग यहाँ पे हल्का हल्का करके दूध डालेंगे जो अच्छा एक स्मूथ बैटर बन जाए। अभी इसको हम लोग ग्रेजुअली मिक्स करते जाएंगे। अभी दोस्तों मेरा ये बैटर रेडी है। अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बटर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने 200 ml का मिल्क लिया था, मेरा इतना मिल्क बच चुका है। इसमें आप थोड़ा सा हल्का करके देंगे ताकि बटर अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे हम लोग इनो लेंगे। हम लोग यहाँ पे डालेंगे एक इनो का पूरा पैकेट। इनो हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनेगा और हल्के से डिसॉल्व भी हो जाता है। तो देखिए मैंने इनो दे दिया है, यहाँ पे फुल पैकेट इनो मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, वहाँ पे मैंने ऑयल ब्रश किया, ऑयल ब्रश मतलब मैं बटर से एक ब्रशिंग कर लिया है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे डालूँगी मेरा जो है बैटर। अच्छे तरीके से मैं डाल दूँगी ये बैटर। ये बैटर मैंने रेडी कर लिया है, बाउल पे दे दिया है। अभी हम लोग ये माइक्रोवेव में डालेंगे कुक मोड लगेगा 900 डिग्री में। हम लोग फोर मिनट 30 सेकेंड्स के लिए इसको कुक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हम लोग का केक एकदम रेडी है। इसमें हम लोग ये आपका चॉइस से आप गार्निशिंग कर सकते हो। इसमें कोई आपका वो नहीं है कि आप मैंने मेरे पास था अवेलेबल चेरी, तो मैं यहाँ पे चेरी से गार्निशिंग कर दूँगी। अभी मेरा ये केक रेडी है। ये गर्म है थोड़ा, मैं इसको रख दूँगी। आप लोग भी अगर बनाते हो 5-10 मिनट के लिए उसको रख दीजिएगा। ठंडा होने के बाद अच्छे से प्लेट में निकाल के आप खा सकते हो। और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगी LG को ऑन द ओकेजन ऑफ 23rd एनिवर्सरी। और आप लोग भी बनाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।